Oh my God, oh my God. चेक करें भाई, चेक करें। अब वो भी बर्फ में कवर हो गया। ये डॉगी चेक करो, अच्छा बनाया हुआ है। ओ आए हैं, थोड़ी सी राइड हम भी ले लें। कितनी प्यारी बच्ची आई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ही आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है ट्रेडिशनल मौसम के लिहाज से, और चाहती सारा सामान भी पहन लिया है। इनर सॉक्स डबल पहनी है, विंटर शूज पहन के जाएंगे, जैकेट भी और ग्लव्स भी, शुक्र है ग्लव्स मिल गए थे। तो देखते हैं बाहर जाके कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पार्क यहाँ पर है, सेम पार्क जहाँ पे हमने स्कूटी व्लॉग शूट किया था, उसी पार्क में जाएंगे। देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं। टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, फील लाइक -7 था, अब -6 हो गया है। तो बाहर जा कर देखेंगे कि एक्चुअली माई फील लाइक कितना टेम्परेचर है। तो ये भाई हम अभी अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं, और ये बच्चों ने पहले ही बनाए हुए हैं लेकिन, और ये हाल है जी, ये पार्किंग एरिया है। और इधर से क्रॉस करके आप जाते हैं, ग्लास दोनों पहन लेते हैं। ओए ओए ओए, सही पानी इकट्ठा हुआ है, सही बर्फ है। बच्चों ने तो इधर बनाने शुरू कर दिए। ये चेक करें भाई, चेक करें क्या हाल हुआ है तो भाई गाड़ियों का। चेक करते हैं, ओए होए तबाही मचाई हुई है स्नो ने। और अभी इस तरफ चलते हैं पार्क वाली साइड पर। तो भाई अभी ये पार्क वाला रास्ता है, इधर चाहते हैं। इतनी तबाही मचाई हुई है ये आपने देख लिया है, और लोग काफ़ी निकले हुए हैं, तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। ओए चेक करो जी गाड़ियों का, उफ तौबा 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 तौबा, इसको रोकते हैं। ये अरज मार्केट के बाहर का नज़ारा है स्नो में, और अभी पार्क की तरफ जाते हैं। देख लिया आपने कितना ज़्यादा स्नो है। अब ये देखते हैं कि आज रात कितने देर तक ये होती है, क्योंकि अगर कंटिन्यूस की रात हुई तो सुबह पता नहीं ऑफिस का क्या हाल होगा। पौधे चेक करो, अच्छा ये बच्चे खेल रहे हैं। इस वही आपने सीढ़ियों पे एहतियात से जाना है, साइड्स पकड़ पकड़ के, कोई जल्दी नहीं है। चेक करें यार ये बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं। और वहाँ पे यसम आल लिखा हुआ है, कुछ बने हुए हैं। बच्चे खेल रहे हैं बड़े अच्छे, और यहाँ से हम आए थे। वो सामने आपको जो लगा हुआ है वो यसम आल लिखा हुआ है,
बर्फ में कवर हो गया है। अच्छा, ये पीछे छोटा पार्क था, अब हम जा रहे हैं जो बड़ा सेंट्रल पार्क है यासा माल में, और कोशिश करेंगे टॉप पे लेके जाएं, जिस तरह एक और जो स्कूटी वाला व्लॉग था उसी जगह पे जाएंगे ताकि पूरे बापू का आपको व्यू नज़र आए। और बच्चे वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो राइड्स भी हैं, देखते हैं वो कर क्या है। अच्छा, जो रास्ता बना हुआ है कोशिश करें कि आप जहाँ पे स्नो ज़्यादा है वहीं पे चलें, जो बाकी जगह है वो बहुत स्लिपरी हो गई है चल चल के। अभी मैं भी बच गया हूँ, काफ़ी कुछ है यहाँ पे अच्छा बच्चों ने बनाया हुआ है। अच्छा, सूरज थोड़ा थोड़ा निकल आया लेकिन बादल दोबारा आ गए हैं और स्नोफॉल दोबारा शुरू हो गई है। सूरज थोड़ी देर के लिए निकला था लेकिन फिर तो बादल आ गए हैं, बच्चे बड़े सब खेल रहे हैं। ओए, और ये चेक करें, इतना क्यूट बेबी आया हुआ है। वो डॉगी भी आया हुआ। अच्छा, ये हिंद क्लिनिक के सामने बिल्कुल पार्क है, अब क्रॉस करके जाते हैं सेंटर में जहाँ बच्चों की राइड्स भी हैं। यहाँ तो भाई आप बैठ भी नहीं सकते कहीं किसी जगह पे भी, हर जगह स्नो स्नो पड़ी हुई है, बेंचेस पे सारे स्नो कवर है और सब साइड पे स्नो अभी भी कंटिन्यूसली गिर रही है। मेरे भाई पता नहीं रात तक क्या हाल होगा। और ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है, ओए माशा अल्लाह। ओए डॉगी को देखो, डॉगी कैसे एंजॉय कर रहा है स्नो में। डॉगी चेक करो, अच्छा अभी उसी जगह से हम जाएंगे जो हम स्कूटी चला के गए थे, आपको दिखा देते हैं ये जगह। नीचे बिल्कुल स्लिपरी है, बिल्कुल कॉर्नर पे चलें आप, कॉर्नर पे चलेंगे जो बस होगी, सेंटर में बहुत स्लिप रही है और ऊपर से आप देखेंगे स्नो गिर रही है, कंटिन्यूसली गिर रही है, कंटिन्यूसली गिर रही है। थोड़ी देर के लिए सुकून मिला है और बिल्कुल उसी जगह से गुजर रहे हैं जिधर से हम स्कूटी पे गए थे, और अभी टॉप पे जाते हैं सेम उसी जगह पे, फिर आपको दिखाते हैं पूरे बापू का क्या नज़ारा। अच्छा, आपको ये बेंच दिखाता हूँ आगे, इधर तो इतनी बर्फ़ पड़ी है कि बेंच भी नीचे बर्फ़ में छुप गया है। ये देखिए वो आ गया है भाई बास्केटबॉल कोर्ट, और बास्केटबॉल कोर्ट आप आइस हॉकी का कोर्ट बन गया है। चेक करें कि बास्केटबॉल कोर्ट जो है ना, अब वो आइस हॉकी का कोर्ट बन गया है, बॉल होती तो खेल लेते। चेक करें भाई, इनको भाई की सही बॉल बड़ा मिल गया। अच्छा, आपको स्नोबोर्ड भी मिल गया, ये अच्छी बात है, आप स्नोबोर्ड ले कर आए हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है। स्नोमैन तो आप बना रहे हैं, स्नोबोर्डिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह, ये क्या ज़बरदस्त व्यू है आज तो। अच्छा, ये और पार्क, एक और पार्क भी आ गया है बच्चों का, इसके बाद ऊपर, ओए इसके बाद ऊपर जाने का रास्ता है, और ये जगह बहुत स्लिपरी हो गई है, बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि यहाँ वाला रास्ता साफ़ है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने शुक्र है सारा साफ़ किया है, ये बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, आप आराम से टॉप पर जा सकते हैं।
ये है जी क्रिसमस का ट्री जो उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। ओह क्या हो गया, बिल्कुल राइट साइड पे फ्लेम टावर है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल ये फ्लेम टावर है और उसके बाद इटरनल फ्लेम मोनूमेंट है, फिर इमाम हुसैन मॉस्क है और दादा पीर मॉस्क है और फिर यहाँ पे आता है निज़ामी मेट्रो और ये एक और मॉस्क है, ये मेरे घर के पास है। अब बस वापसी करते हैं, नीचे जाते हैं और फिर आप हम बैलकनी से भी एक व्यू दिखाएंगे वहाँ से क्या नज़ारा आता है। चलें भाई अब ऐसा ऐसा नीचे चलते हैं और ये इन्होंने अच्छा किया कि ये रास्ता बिल्कुल साफ क्लियर किया हुआ है कि लोग ऊपर तक तो कम से कम आ सकें, रास्ते में बीच वाले जो हैं पाथवेज बने हुए हैं वो साफ नहीं है, उस पर आपको ख़ुद से एहतियात करना पड़ता है, ये क्लियर है। आपको यहाँ पे आपको फैमिली भी नज़र आएंगी, कपल भी नज़र आएंगे और बूढ़े जवान सब बच्चे भी, और इवन के ये लोग अपने 6 या 8 महीने का बच्चा है, मैंने उसको भी देखा था, उसको प्रॉपर कवर करवा के अफसरों में जरूर निकले निकलें इंजॉय करें लेकिन एहतियात जरूरी है। अच्छी एक्सरसाइज के लिए मैंने बनाई हुई है, सारे बोर्ड वगैरह भी लगे हैं कि आप यहाँ पर आएँ और एक्सरसाइज वगैरह करनी है आप एक्सरसाइज करें, ये अच्छी चीज़ है। कुछ लोग तो स्नो में भी आ रहे थे इस जगह पर, अरे भाई ये बड़ों बच्चे ने बड़ा अच्छा बनाया स्नोमैन। और ये स्नो बेबी भी बनाया हुआ है। सब वापस चलते हैं, यहाँ मुख्तलिफ एक्टिविटीज बच्चे कर रहे थे, स्नोमैन बनाया था बच्चों का, स्नो किट बनाया था, स्नो बोर्डिंग कर रहे थे लोग, बच्चे बोर्ड से कर रहे थे, काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज हैं। अभी चलते हैं वापस और कॉफ़ी कुछ मीठा कर लेते हैं और फिर आपको बैल्कनी से लास्ट में एंड से व्यू दिखाते हैं, सेम बैल्कनी से जहाँ से आपको हमने न्यू ईयर की फायर वॉक्स दिखाई थी। आई हैं थोड़ी सी राइड हम भी ले लें, तो बच्चे वेट कर रही है वरना ही दस हो जाता है और नाराज़ ना हो जाए, तो निकलते हैं बच्चों को बारी देते हैं। कितनी प्यारी बच्ची आई, हार्डली 5 मंथ्स की होगी। वो जी अपने मल्ले पहुंच गए हैं और एक चीज़ का एहतियात करना है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे और टूवर्ड्स शादाब, बीच में रोड बंद भी है, मेरे कोलीग हैं उन्होंने मुझे बताया था लास्ट वीक शायद उस तरफ से पहले ही स्नो स्टार्ट हो गई थी, तो जो टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं उन्होंने शादा जाना हो टूवर्ड्स गबाला जाना हो तो पहले से प्रॉपर प्लान करके आए, ये ना हो रस्ते में जाएं और फिर वापस आ रहे हैं, ये हुआ है लास्ट वीक इस तरह हुआ है। तो अब चलते हैं बैल्कनी में। लो जी बैल्कनी में आ गए हैं, आपको नीचे से भी दिखा देते हैं, अभी तो थोड़ी स्नो कम हो गई है, सुबह सुबह आगे तक आई हुई थी स्नो, तो ये देखें जी
ये सारी स्नो डंबल वगैरह भी कवर हो गए हैं। और ये नीचे का है व्यू, ये देखिए नीचे का कितना ज़्यादा बर्फ़ है। कल रात को हल्की हल्की थी और सुबह जब उठे हुए हैं तो ये पूरा स्नो में कवर हुआ हुआ है। यहाँ पे सारे फायरवर्क हुए थे, फील लाइक -6 -7 है। वैसे टेम्परेचर 1 है, थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी लेकिन वो फिर बंद हो गई है। और अभी ये सूरत हाल है यहाँ का, बाहर निकलें एहतियात करें और शूज़ वगैरह स्नो शूज़ पहन के जाएं और अपने आप को प्रॉपर कवर रखें। ये था आज का व्लॉग, और आज के व्लॉग में हमने आपको बता दिया कि विंटर में किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बच्चे बूढ़े कपल्स क्या क्या कर रहे हैं। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।